हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को डिटेल में कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडल ग्राम में। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ तथा इनकी माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे। तो ये थे ज्ञात्रक कुल से संबंधित। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे। तो इनके प्रथम अनुयायी थे इनके दामाद जामिल। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो इन्होंने अपने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी राजगीर में हुई थी। स्थूल भद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता है। तो स्थूल भद्र के शिष्यों को कहा जाता है श्वेतांबर। और भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता है। तो भद्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता है दिगंबर। तो लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों समेत कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी सफ़ेद कपड़े पहनने वाले कहलाए तथा भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिए गए हैं। तो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार लिए गए हैं सांख्य दर्शन से। अगला प्रश्न है कल्पसूत्र की रचना किसने की थी। तो कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन सांगतियों का आयोजन कब कब किया गया था। तो प्रथम जैन सांगति का आयोजन किया गया था 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में तथा इसका आयोजन किया था स्थूल भद्र ने। द्वितीय जैन सांगति का आयोजन हुआ था 6वीं शताब्दी में बल्लभी गुजरात में। अगला प्रश्न है कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। तो मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। इसके बाद देखें तो गोमतेश्वर जो बाहुबली की मूर्ति है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण मैसूर के चामुंड द्वारा 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। महावीर स्वामी ने किस शासक के शासनकाल में उपदेश दिए थे। तो महावीर स्वामी ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। आप सभी लोग बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज ना हो। बिंबिसार मगध नरेश था 545 ईसा पूर्व में और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जो कि 298 ईसा पूर्व में शासक बना था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है। तो जैन धर्म का परम लक्ष्य है मोक्ष। प्रमुख जैन तीर्थकरों के चिन्ह क्या हैं। तो ऋषभदेव का चिन्ह है सांड, पार्श्वनाथ का चिन्ह है सर्प तथा महावीर स्वामी का चिन्ह है सिंह। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन